नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते चार बजे की चार बड़ी खबरों से। दिल्ली में लड़की पर हुए तेजाब हमले के बाद महिला आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। दिल्ली महिला आयोग ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने दोनों कंपनियों के सीईओ को पत्र लिखकर ये कहा है कि हमें सुनवाई दिया है कि इन दोनों साइट्स पर आसानी से तेजाब मिल जाता है जो कि अवैध है। महिला आयोग की इस नोटिस को भेजते हुए जवाब मांगा। इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमारे साथ मौजूद है। सुहानी, दिल्ली में लड़की पर एसिड अटैक को लेकर अभी क्या कार्रवाई की गई है? जी जी मनीष, आपको बता दें कि ये वारदात जो है मदन जो मैदान का है और वहाँ पे जो 17 साल की लड़की जो सुबह 7:30 बजे अपने बहन के साथ स्कूल जा रही थी उस पे दो युवक बाइक सवार उन्हें सामने से तेजाब फेंका और वो 8% तक उनकी जो चेहरा और उनके गले पे ये झुलस गया है। तो ये अटैक ये भी बताया जा रहा है कि जो युवा थे वो पहले उस लड़की के दोस्त रह चुके हैं और 1 महीना पहले से उनकी बातचीत नहीं हो रही थी, बंद हो जा रही थी और इसी के चलते उन पे ये एसिड अटैक किए हैं। और ये वारदात से पहले उन्होंने ये सारा ये जो है ये अपना वो कर लिए थे पूरा कि क्या करना है क्या नहीं और अपने दोस्तों के साथ मिलके। और तीन ये दोस्त थे, रोहित इनका हर्षित, सचिन और वीरेंद्र, जो कि सचिन और हरीश जो हर्षित है वो बाइक पे सवार होके वो एसिड फेंके और जो वीरेंद्र थे वो कुछ दूर पे जाके अपने मोबाइल से लोकेशन को अलग दिखाना चाह रहे थे कि अगर इस पे खोजबीन हो तो हम लोग का जो लोकेशन और दूसरे जगह दिखाई दे। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है वहाँ पे एसिड अटैक हुआ है और अभी जो फिलहाल जो लड़की है वो अस्पताल में उनकी जो इलाज चल रही है बताया जा रहा है कि उनके आंख में भी एसिड जाने की अभी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह 8% तक ये लड़की जल गई। और इसी पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और महिला आयोग की जो वहाँ की जो स्वाति मौलवल है वो उन्होंने भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से रिपोर्ट जारी किया है। उस पर उन्होंने साफ तौर से बोला है कि इस पर बहुत आसानी से जो है एसिड मिल जाता है, तो उस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करें और उसको देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसे तमाम ऐसी जो वारदात है वो आए दिन होते रहता है और इस पर कहीं ना कहीं इस पर जो दिल्ली पुलिस की भी नाकामयाबी दिख रही है कि सुबह जो 7:30 बजे दिन दहाड़े ऐसी वारदात किए जा रहे हैं। सुहानी, स्वाति मालिवाल ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा है, लेकिन लोकल दुकानों में भी इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लोकल दुकानों पर ये बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, अमूमन अधिकतर दुकानों पर ये मिल ही जाता है, तो इसमें क्या एक्शन हो सकता है, क्या खाका इस पर बनाया जा सकता है कि ये दुकानों पर भी ना मिले? एक्शन तो इस पर होना चाहिए। जी 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 मनीष, सबको बता दें कि इस पे जो अब सालों से इस पे जो महिला आयोग है या जो जितने भी नेता इस पे हर बार उनका यही कहना रहता है कि जो तेजाब है उस पे बैन लगाया जाए, क्योंकि ऐसे कई वारदात सामने आ गए हैं कि जो लड़कियों का इस पे तेजाब से अटैक किया जाता है, ऐसे कई इस पे कार्रवाई करने की भी मांग, लेकिन सरकार इस पे कुछ के लिए प्रतिबंध लगाई थी, लेकिन फिर जो छोटे छोटे शॉप होते हैं उन पे भी आसानी से जो कहा जाता है एक बिक्री जो छुट्टे बिक्री की तरह जो एसिड मिल जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं उन्होंने भी इस पर कहा है कि जो भी ये अटैक हुआ है उस पर उनको सरेआम उस जो आरोपी हैं उनको फांसी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार के भी इसमें कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, क्योंकि वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इतनी आसानी से कैसे एसिड मिल जा रहा है, क्योंकि ये छूट तो दिया गया है, इस पर साफ तौर पर दिख रहा है। सुहानी, देश प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती हैं और ये घटनाएं बढ़ भी रही हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है या आदेश दिए गए हैं इस मामले को लेकर अभी तक, और क्या एक्शन लिया जाना बाकी रह गया है? जी, आपको बता दें स्वाति मालिवाल के यही उनका पूरी तरह से वो जो दिल्ली सरकार को घेर रही है, उनका कहना है कि इस पे जो सरकार दिल्ली सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ देख रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमियां। अब इस पे लोगों की मांग है कि बड़े कानून इस पे बनाए, इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये आज से ही नहीं, कई ऐसी लड़की जिनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है पूरी एसिड अटैक से उनके चेहरे, और ये साफ तौर पर देखा रही वो अनजान लड़के नहीं है, सिर्फ बात ना करने की वजह से 1 महीने से जो उनकी बातचीत नहीं हो रही थी उसका वो
हिसाब लेने के लिए या ये कहिए कि उनका बदला लेने के लिए उस पर अटैक किए हैं। सोचिए 17 साल की लड़की जो उसके साथ छोटी बहन थी उसके साथ वो अटैक किए हैं, तो एक सदमा एक हो सकता है उस छोटी बच्ची का भी हो सकता है, और उसकी जो उसकी बहन का जो हुआ वो तो अभी इलाज चल रहा है, उनका क्या अभी होगा अभी पूरी तरह से रिपोर्ट भी नहीं आया। डॉक्टर का यही कहना है कि 8% तक ये लड़की जली हुई है, झुलसी हुई है, उनका फेस और उनका जो गर्दन है पूरी तरह से झुलस गया है, तो ये बहुत बड़ा एक कहा जाएगा कि जो सरकार है उस पर कार्रवाई करे, और क्योंकि बहुत बड़ा ये एक तरह से हानि दिख रहा है क्योंकि वो जो लड़की है उनका एक जो कहा जाए कि अब क्या होगा, कैसे इनका उनके घर वाले कैसे किस तरह से देख रहे होंगे, क्योंकि अनजान व्यक्ति नहीं था, उसका दोस्त था जिसने एसिड अटैक किया है। साफ तौर पे ये उनके जो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बताया कि हम लोग जो दोस्ती था पहले और एक महीना से हम लोग बात नहीं कर रहा था और इसी को लेकर हमने उसे इल्ज़ाम ये एसिड अटैक किया है। सुहानी, आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, जब इस तरह की वारदातों को आप सुनती हैं कि किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, तो आप क्या सोचती हैं और आप क्या आपका इस पे पर्सनली एक मैं चाहता हूं कि एक पर्सनली आपको क्या विचार था एक लड़की और महिला होने के नाते कि इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी मनीष, सबको बता दें कि एसिड अटैक नहीं, ऐसे तमाम ऐसे जैसे आप देख सकते हैं एक श्रद्धा मर्डर केस जो कि लिविन में रहते हुए, तो ये जो लव एंगल चल रहा है इसके वजह से जो ये सब वारदात होते जा रहे हैं, तो ये भी आप कह जा सकते हैं। लेकिन लड़कियों का ये एक अलग एंगल, लव एंगल हो चाहे रिलेशनशिप में चाहे वो लिविन में रह रहे हों, इसके वजह से जब वारदात हो रही है तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि लड़के क्यों ऐसे वारदात कर रहे हैं, क्यों इस हद तक पहुंच जा रहे हैं कि वो टुकड़े कर दे रहे हैं, एसिड अटैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये सब चीजें ऐसे ही मिल रहा है जैसे एसिड कहीं भी जाके ले ले, तो इसमें बैन लगाना चाहिए। और एक आपको बता दें, एक लड़की होने के नाते मैं बता रही हूँ, ये सब देखते हुए एक डर हो रहा है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि रिश्ते भी जो है उनसे भी दूरियां बनने लग रही है, क्योंकि तमाम ऐसे वारदात हम लोग देखे हर रोज देख रहे हैं। जी, तो इस पे हम यही कहेंगे कि सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी सुहानी, जी बिल्कुल सुहानी, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने नया बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। सपा प्रमुख समेत विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने राज्य में जातिगत जनगणना की मांग भी रख दी है। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना की जरूरत भी बताई। बता दें कि 3 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा और कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने को कहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का नया सुगुफा छोड़ा है, इससे राजनीतिक मायने क्या नजर आ रहे हैं आपको? क्या जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर चुके हैं? जी मैंने, अगर जाति जनगणना की बात करें तो पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार जो राजनीतिक दल हैं वो इसकी जातिगत जनगणना की मांग उठा चुके हैं। और आपको बता दूँ कि सन 2021 में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट में इसकी बताया था कि हम जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। हालांकि यहाँ पर दोबारा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कही है। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये 2 राज्य और हैं जिनके प्रतिनिधि लगातार या जिनके मुख्यमंत्री लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अगर हम जनगणना की बात करें तो 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो राज्य है उनका कहना है कि जातिगत जनगणना होगी तो उसे बेहतर पता चल सकेगा कौन सी जाति कितने लोग हैं, उनका कितना बेहतर विकास कह सकता है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग की है, तो कहीं ना कहीं मनीष, अगर यहाँ पर जातिगत जनगणना होती है तो उसका लाभ भी यहाँ लोगों को मिलेगा। पर यहाँ पर जैसा केंद्र सरकार लगातार कहती आ रही है कि हम जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, अब आने वाले समय में किस तरह जातिगत जनगणना होती है ये विपक्ष बताएगा। गौरव, क्या इस मांग को लेकर सत्ता पक्ष स्वीकार करेगा? क्या इसका अगला साल 2024 लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो बात की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि अगर हम जातिगत जनगणना कराते हैं तो अगर राज्य स्तर पर गणना कराते हैं तो केंद्र सरकार उसको वैध नहीं करेगा। आप जातिगत जनगणना करा सकते हैं। अखिलेश यादव जब पिछले साल चुनाव था 22 में तो उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो देश में अपने प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे। हालांकि सत्ता में आए नहीं और उनका फिलहाल ये मामला दबा रह गया। पर जिस तरह से यहाँ पर बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात कही है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव के स्वर भी मुखर हो गए हैं और वो भी यहाँ पर अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें मनीष, उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते आ रहे हैं। तमाम तरह के राज्य पहले भी तमाम दलों ने इसके लिए मांग की है, फिलहाल केंद्र सरकार इसको कराने के पक्ष में नहीं है। अब आने वाले समय में क्या होता है वो अलग बात है। फिलहाल अगर राज्य अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराते हैं तो उसको बेहतरीन माना जाएगा, कम से कम ये व्यवस्था भी लागू है। गौरव, पर्सनली तौर पर अगर ये आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा कि अखिलेश यादव, नीतीश और अब सुभाषपा के अध्यक्ष भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, आखिर जातिगत जनगणना को लेकर ये 2024 का इनका कोई प्लान हो सकता है या फिर राजनीतिक तौर पे कुछ इसका लाभ इनको नजर आ रहा है? लाभ मनीष, निश्चित रूप से जब जातिगत जनगणना होगी तो उनको साफ निकल के आ जाएगा कि कौन से वर्ग के कितने वोट है, कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण बनाने में यहाँ पर सहूलियत होगी। और इसी सहूलियत को देखते हुए यहाँ पर जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी बात रख चुके हैं, नीतीश कुमार ने भी बात कही है, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी इसकी मांग उठ चुकी है। और केंद्र सरकार को लगातार दल जो बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश में 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, सही आंकड़े आना चाहिए, अभी भी ओबीसी आरक्षण का सही आधार पता नहीं है, जब आरक्षण होगा जब क्लियर होगा तभी कुछ पता चलेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर केंद्र सरकार इस बात को टालती आ रही है, हलफनामा भी दायर कर चुकी है कोर्ट में, पर यहाँ पर राज्य है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और अगर मनीष, राज्य अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करा भी लेते हैं तो वो उनके लिए तो बेहतर होगा, पर शायद उसको केंद्र सरकार वैध नहीं करेगी। जी 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 जी, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत जनगणना की बात इसलिए भी हो सकती है कि कहीं ना हमको भी अपने जातिगत सूत्रों का और समीकरणों का पता चल जाए कि हम किस तरह से अपनी राजनीतिक जो रणनीतियां हैं उनको बना सकें। फिलहाल गौरव, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट केस की सुनवाई पूरी कर ली है। 1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर बहुत प्रतीक्षित फैसले के तहत दोषी करार दे दिया गया है, जिसकी पूरी होने के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 5,00,000 का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी 10 साल कैद की सजा मिली है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है, क्या है ये पूरा मामला, इस मामले में कब केस दर्ज हुआ था और इस भीम सिंह की क्या भूमिका थी, इस पर पूरा मचाऊंगा, क्या थोड़ा सा विस्तार दीजिए। देखिए मनीष, 1996 का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था, पूरे 26 साल हो चुके हैं और 26 साल के बाद जो है इस पर फैसला आया है, जिसमें से कुल 5 मामले गैंगस्टर एक्ट पे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पे लगे हैं, जिसके 2 मामला गाजीपुर, 2 मामला बनारस, 1 मामला चंदौली के बताया जा रहा है। तो कुल 5 मामलों में 10 साल की उनकी सजा सुनाई गई है और 5,00,000 रुपए का जो है जुर्माना भी बताया जा रहा है, 5,00,000 का जुर्माना भी जो है मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। वही जो उनके सहयोगी थे इन मामलों में भीम सिंह, उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर अगर आप देखिए तो मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में आज से 10 साल 15 साल पहले की अगर बात करें तो बाहुबली नेता का नाम माना जाता था, एक बड़ा कद था बाहुबली का और वो तमाम जो है क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में थे, बसपा में हुए थे, वो विधायक थे और उनका बाहुबल जो है गाजीपुर मऊ में अच्छा खासा माना जाता था और जितने भी वहाँ की जनता थी अपने बाहुबल से उन्होंने काफी जो है वहाँ पे राज किया, वर्चस्व किया, उनको डरा धरा के वोट भी वहाँ पे अच्छा खासा जो है वो अपना हर चुनाव में वो वोट भी लेते रहे थे। तो एक बाहुबली का कद था और इस प्रकार से जैसे हम जान रहे कि पंजाब के जेल में बंद थे, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की, वहां से फिर बांदा जिले में आए और आज पूरे 26 साल बाद 1996 का एक इंसिडेंट का मामला था, 5 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं, कुल 11 गवाहों ने गवाही दी है इनके खिलाफ, 11 लोगों ने गवाही दी है, तमाम तरह के जिरे हुए हैं और 12 दिसंबर को जो है ये सारे गवाह जो है गवाही दे के जिरे करके मामले को तय कर दिया गया था और जो सजा की तारीख थी आज 15 दिसंबर को डिसाइड की गई थी। मनीष जी, विवेक, क्या इस मामले पर मुख्तार अंसारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सजा को कम कराने के लिए अर्जी अपनी दे सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये ऐसा कदम उनकी तरफ से उठाया जा सकता है। वैसे मैं बात करूं कि इसके पहले मुख्तार अंसारी को 10 दिन ईडी की रिमांड पे भी थे
और गाजीपुर की जो गैंगस्टर एक्ट की एमपी एमएलए कोर्ट और गैंगस्टर एक्ट कोर्ट है उसके तहत ये फैसला सुनाया गया है। भीम सिंह जो है वो इस कार्रवाई में उपस्थित है, जबकि ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इसमें निशान अंसारी की पेशी भी कराई थी, उसकी पूरी व्यवस्था जो ईडी ऑफिस में हुई थी। अभी ईडी के 10 दिन के रिमांड पर मुख्तार अंसारी, ईडी अपनी 10 दिन की पूछताछ करेगी। अब ये मुख्तार अंसारी और जो उनकी लीगल टीम है ये डिसाइड करेगी कि इसको आगे इस फैसले के बाद इसको कहाँ चुनौती देना है। जहां तक उम्मीद बनाई जाती है इस फैसले को चुनौती दिया जा सकता है, चाहे वो हाईकोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में, इस फैसले को चुनौती दिया जा सकता है। मनीष जी, जी विवेक, इस खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुना परसपुर ब्लॉक 68 ग्राम पंचायतों के फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और सचिव 12.5 करोड़ रुपए डकार गए। ऑडिट टीम ने डीपीआरओ को भेजी रिपोर्ट में हजम की गई रकम की व्याज समेत रिकवरी के लिए कहा है। उधर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ी रकम 12.5 करोड़ की रकम को विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा करके हजम कर लिया गया, जिसमें ऊपर से नीचे तक की जो कड़ियाँ जुड़ी हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई हैं और जिसका खामियाजा वहाँ की मासूम जनता को उठाना पड़ा है। डीपीआरओ ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। विकास के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा, गोंडा से बड़ी खबर है। विकास के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, गोंडा से बड़ी खबर है। आए दिन ये भ्रष्टाचार के जो तो फर्जीवाड़े हैं ये सामने आते रहते हैं। इसको लेकर अब 12.5 करोड़ के आसपास की लागत का ये फर्जीवाड़ा एक बार फिर गोंडा से सामने आया, जिसमें डीपीआरओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और एडीओ ने भी इस पर संज्ञान लिया है। विकास के नाम पर ये फर्जीवाड़ा हुआ है, गोंडा से बड़ी खबर है। गोंडा परसपुर ब्लॉक के 68 ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है। आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर ग्राम प्रधान और सचिव 12.5 करोड़ के की जो रकम है वो डकार गए हैं। ऑडिट टीम ने डीपीआरओ को भेजी रिपोर्ट में हजम की गई रकम की व्याज सहित रिकवरी की बात कही है। उधर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत को कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और प्रदेश भर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, और वहीं पर इस तरह की जो बड़ी वारदातें सामने आती हैं फर्जीवाड़े की, ये कहीं ना कहीं विकास कार्यों को बाधित करती हैं। हमारे संवाददाता मुजीब आलम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इसके बाद भी गोंडा में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इस मसले के बारे में पूरी जानकारी क्या है? विकास खंड का मामला है, वहाँ पे 12.48 लाख रुपए का क्या नाम है घोटाला किया गया है, जिसमें नाली खड़ंजा बनाने के नाम पे आया था पैसा। उस पैसे को इन लोगों ने अपना निकाल करके उससे पैसे को दुरुपयोग किया गया। मुजीब, क्या ब्लॉक लेवल पर सरकार की कसनी का कोई असर नहीं दिख रहा है? मुजीब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एडीओ पंचायत ने अभी तक इस मामले पर क्या एक्शन लिया है? एडीओ पंचायत ने यहाँ पे मंडल आयुक्त के बैठक में इन्होंने जब इससे आदेश जांच के आदेश किए गए तो इसमें कहा गया है कि इन लोगों से प्रधानों से या जो भी लोगों ने गबन किया है इसकी रिकवरी की जाए। मुझे ऐसा क्यों है कि गोंडा से भ्रष्टाचार की बहुत मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें मनरेगा का अगर काम देखा जाए तो वहां भी एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी संख्या में पैसा आता है, जो पैसा मनरेगा के उन मजदूरों को नहीं मिलता है बल्कि उसको ऊपरी जो बैठे बाबू लोग हैं वो हजम कर जाते हैं और उससे जी। तो ये भी एक सूत्रों के हवाले से ये भी एक वाक्या सामने आया, जिसमें खलंजे और विकास के ग्राम पे जो गांव में जो भी पैसा आता है उसको लेकर ये बाबू लोग हजम कर जाते हैं और जो नीचे कारीगर होते हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनका खाली नाम चढ़ा होता है। जी आपको बता दें कि गोंडा में काफी दिनों से इन लोगों की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी है। हर जगह ब्लॉकों में जितने भी स्तर पर भ्रष्टाचार किए जाते हैं वो जग जाहिर है। जितना भी इस समय योगी सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है उसी के अपोजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गोंडा जिले में कोई नई बात नहीं, हर ही जगह पे जहाँ पे जाएंगे यहाँ पे आपको नए नए घोटाले रोज सामने आते हैं। उसके बाद ये इसकी जांच के आदेश तो किए जाते हैं लेकिन जांच के आदेश होने के बाद भी इससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे इतने मन बड़े लोग हो चुके हैं कि इससे कोई भी एक्शन से डर नहीं लगता इन लोगों को। मुझे ऐसा क्यों है कि ब्लॉक लेवल पर सरकार की कसनी का कोई भी असर इस पे देखने को नहीं मिल रहा है? इतना बड़ा ये जो घोटाला है इस पे डीएम का क्या कहना है? इस पे डीएम साहब का कहना कि इस पे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुझे अभी तक क्या अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुई है जब तक जब से ये प्रकरण सामने आया है?
कि अभी तक तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। फिलहाल इस पे अभी देखना है, इस पे कोई कार्रवाई होती भी है कि सिर्फ दिखावा बन के रह जाएगा। जी मुझे इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।